करते हो तुम इंद्रवदन? तुमने इतने बड़े कॉकरोचेस को घर में घुसने कैसे दिया? माया, मैंने तो मना किया उन्हें, लेकिन उन्होंने दोनों मुझे जोड़कर रिक्वेस्ट की मुझसे कि अंकल प्लीज हमें घुसने दो ना, तो उनका मन रखने के लिए मैंने कहा जाओ। अच्छा, उल्टी बातें मत किया करो तुम। तो क्या करूं, ये मच्छर कॉकरोच वगैरह मुझसे पूछ के अंदर घुसते हैं क्या? मैं जानती हूँ किसी से पूछ कर नहीं घुसते मच्छर, मक्खी, कॉकरोच और मोनिशा, लेकिन घुसते तो सब तुम्हारी ही वजह से है ना। ये देखो, चॉकलेट कुकी के क्रम्स पड़े हैं यहाँ। और मोनिशा बेटा, तुम क्यों आई हो? वो नीचे खोमचे वाला आया था ना मम्मी जी, तो उससे मैंने ये दही भले लिए थे डैडी जी के लिए, तो मैं वो देने आई। देखा, तुम्हारी ही वजह से घुसते हैं सब। मैं जाऊं? नहीं नहीं, तुम्हारे आने से मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती बेटा जितना कि इन कॉकरोच मक्खियों से होती है। बीमारियां फैलाते हैं ये सब। हालांकि तुम भी बीमारियां फैलाती हो, रास्ते पर से खरीदी हुई इस तरह की कॉलेरा इंड्यूसिंग चीजें खिला खिला कर सबको। इसलिए तुम पर भी इंसेक्टिसाइड छिड़कने का बहुत मन करता है मुझे, लेकिन क्या करूं, तुम मेरे बेटे की बीवी जो हो, लेकिन इन पर तो अब स्प्रे का भी असर नहीं होता। कहां से होगा, एक ने एक ही स्प्रे छिड़कती रहती हो हमेशा। मैं इन्हें खाना नहीं खिला रही हूँ इंद्रवदन, ये रोज रोज नए नए फ्लेवर के स्प्रे छिड़कू उन पर। अरे बाबा, वो इम्यून हो जाते हैं। मैं कैसे इम्यून हो गया हूँ तुम्हारी किटकिट से? Oh yeah? ये कुछ भी कहे, मुझे कहाँ फर्क पड़ता है कुछ। इस बार फर्क पड़ेगा। Get up, इंद्रवदन। Get up. I said get up. चिल्लाओ मत वरना। Get up. वरना गला बैठ जाएगा ना तुम्हारा। इंद्रवदन, अपने कपड़े, कॉमिक्स, चॉकलेट्स, कुकीज, चिप्स सब उठा करके निकल जाओ मेरे घर से। मनीषा, ये मुझे घर से निकाल रही है? Yes. वही तो देख रही हूँ डैडी जी। देख रही हूँ? अरे ये कोई फिल्म की शूटिंग थोड़ी चल रही है कि मैं तुम्हें सीन करके दिखा रहा हूँ। कुछ 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 करो ना। अच्छा अच्छा डैडी जी, चलिए आपका सामान पैक करते हैं। That's better. वो ले आएगी तुम्हारा सामान, तुम चलो। ये दोनों ना वहां पर। मोनिशा, डैड हाय। ये अपना घर रेलवे प्लेटफॉर्म क्यों लग रहा है मोनिशा? ये किसका सामान है? डैड का। मामा ने डैड को घर से बाहर निकाल दिया साहिल भाई। क्या? निकाला विकाला नहीं, माया ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं वहां ना रहूं। हाँ, मम्मी जी ने बड़ी शांति से डैडी जी से कहा कि इंदु प्लीज यहाँ मत रहो। सुना? और फिर उन्होंने डैडी जी को धक्का मारा। मोनिशा, धक्का मारा बोलना जरूरी था? डॉट डाई। आपको मॉम ने लिटरली धक्का मारा? हाँ, थोड़ा सा। बहुत बुरा किया मॉम ने, लेकिन मजा बहुत आ रहा है साहिल भाई। चुप कर सफेद चूहे। डैड चुप चुप। क्वाइट क्वाइट। डैड, आप मुझे बताएंगे मॉम ने आपको फिजिकली धक्का, आई मीन कैसे? मैं बताती हूँ। देखो ऐसे घूमिए, ऐसे। और आपने बर्दाश्त किया? Of course not, साहिल। मैंने वहीं के वहीं उसको धमका दिया। मैंने कहा माया, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अगर मेरा हाथ उठ गया ना, तो तुम्हारा जबड़ा हिल जाएगा और किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी, लिटरली। और मॉम ने क्या कहा? माया क्या कहेगी, वो तो वहां थी नहीं। मोनिशा, राइट। मामा डैड का बाकी सामान पैक कर रही थी जब डैड कॉरिडोर में अकेले अकेले चिल्ला रहे थे। ब्रिलियंट बहादुर सिंह साराभाई, ब्रिलियंट। क्या है, क्या कर रहे हैं आप? ए साहिल, तू माया को समझा ना। व्हाट एल्स, वही तो कर रहा हूं मैं। मॉम, साहिल यार, अब देखिए मॉम, क्या? हाँ डेफिनेटली। नहीं नहीं, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप डैड को घर में तो आने दीजिए। कैसी? हाँ मेरा, you're so funny. Okay, I'll tell him that. You're so sweet. I'll tell him that. Okay. Mom मना कर रही है। क्या? No, no. Oh. Mom ने शर्तें रखी हैं, जो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही हैं। तो सबसे पहले आप वो सारी शर्तें मानेंगे, वरना उस घर में आपके लिए नो एंट्री। गुड मॉर्निंग मोनिशा। गुड मॉर्निंग डैडी जी, आप ही के लिए चाय बना रही थी। ओह थैंक यू वेरी मच। कल रात को ठीक से सोए? हाँ, या काइंड ऑफ। तुम्हारी ये मैट्रेस कुछ ज्यादा ही सख्त है।
ऊपर नीचे? अरे हाँ, वो मैंने मैट्रेस के नीचे चार पांच टेढ़े मेढ़े हैंगर्स रखे हैं ना सीधे करने के लिए, इसलिए। ओह वेरी गुड। अच्छा ये बताओ नाश्ते में क्या है? नाश्ते में कल रात की बिरयानी है, केचप है और गर्मा गर्म वड़ा पाव भी आते ही होंगे। वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन ये सुबह सुबह ऑयली कुछ और नहीं है नाश्ते में? देखती हूँ। फ्रूट वगैरह? फ्रूट में नींबू है? नहीं नहीं, खाने वाला। डैडी जी ये बताइए, धनिया फ्रूट? नहीं फ्रूट नहीं है, ये फ्रूट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मुझे लगाई। हाँ, केला और पपीता। इतना कच्चा केला? ये क्या तुम वो शोकेस में रखने के लिए लाई हो? वो 60% डिस्काउंट में मिलता है ना डैडी जी, तो ओह मैं तो भूल ही गई, आपके लिए मैसेज है। तुम मैसेज इसमें रखती हो? हाँ मुझे मम्मी जी मैसेज देने आए थे। माया का मैसेज है? क्या बात है। गुड मॉर्निंग, नाश्ते में ड्राई फ्रूट पैनकेक्स, टमाटो चीज सैंडविचेस, पीच प्लम एंड पेयर सलाद और सीताफल मिल्क शेक बनाया है। ये दूसरा मैसेज। वाह वाह, दूसरा मैसेज सिर्फ मेरे और रुसेश के लिए और तुम्हारे लिए नहीं इंद्रवदन। सेडिस्ट, जानबूझ के दो अलग अलग मैसेजेस रखे उसने। ये तो सरासर अन्याय है डैडी जी, आपको इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, आफ्टर ऑल वो घर आपका भी है। यू आर राइट। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, अब तो उसे हाथ पैर जोड़कर मुझसे माफी मांगनी होगी और कहना होगा कि इंद्रवदन प्लीज ये माइंड ब्लोइंग नाश्ता कर लो, आई एम सॉरी। और उन्होंने अगर ऐसा नहीं कहा तो मैं हाथ पैर जोड़कर उससे कहूंगा कि माया ये माइंड ब्लोइंग नाश्ता मुझे करने दो, आई एम सॉरी। नहीं 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 डैडी जी, ऐसा करने से मम्मी जी का पलड़ा भारी हो जाएगा। आप उनकी शर्तें मानकर घर चले जाइए, लेकिन ऐसा जताइए जैसे आपने उन पर एहसान किया है, नहीं तो नहीं तो वो जिंदगी भर मुझे डोमिनेट करती रही है ना। देखता हूं मैं। ओके, एक बार करके दिखाओ तुम। नहीं नहीं रोशेश, रंभा काकी की शोक सभा जब खत्म होगी तब तुम क्या बोलोगे वो करके दिखाओ। अच्छा वो? हाँ वो मैं बोलूंगा कि मामा रंभा काकी की शोक सभा में आप भी एक भजन गाइए ना। नहीं नहीं, मैं सिंगर कहाँ हूँ मामा। श्रद्धांजलि के लिए भावना की जरूरत होती है, कला की नहीं। प्लीज मामा प्लीज, दो बार प्लीज बोलना, तभी मैं बोल पाऊंगी ना। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं भी एक भजन गा लेती हूँ। पंखीड़ा ने अपींजरू जूनू जूनू लागे। माया तुम यहाँ क्या कर रहे हो इंद्रवदन? बाहर जो लिखा है वो पढ़ा नहीं? Trespassers will be prosecuted. माया देखो इस तरह तुम मुझे, मेरी शर्तें तुम्हें मंजूर हैं तो उस पे साइन करो फिर इस घर में आओ वरना बाहर। नहीं माया, तुम भूल रही हो माया कि ये घर मेरा भी है और मेरी स्पीच खत्म नहीं हुई है, अभी से ताली मत बजाओ। जी मैडम। इस Trespasser को प्रोसिक्यूट करो प्लीज। जी मैडम। आप अपनी मर्जी से चलेंगे या धक्का मारूं? हाँ? अगर मैं अपनी मर्जी से चला गया तो तुम क्या कर लोगे? हैं? मामा लेट्स प्रैक्टिस। अरे जाओ ना तुम दोनों, उसको देखो कि बाहर जाता है कि नहीं। जी मैडम। पंखीड़ा ने अपींजरू जूनू जूनू लागे। छोड़िए ना डैडी जी, आप उदास मत होइए, इत्मीनान से नाश्ता कीजिए और फिर मम्मी जी के घर के बाहर जाकर भूख हड़ताल कीजिए। खाने के बाद? हाँ, मम्मी जी भी तो वही करती हैं। बाद में यहाँ क्या है खाने में? कल रात की बिरयानी। ओ बाप रे, क्या कल रात को तो दोनों हाथों से खा रहे थे। आलू टूट नहीं रहा था इसलिए दोनों हाथों का इस्तेमाल करना पड़ा। बाद में नाश्ते में सिर्फ बिरयानी। केचप है बाबा, केचप है। तो ठीक है। अरे क्या ठीक है, तू बिरयानी के साथ केचप खाएगा? हाँ। कभी कभी सिर्फ केचप खा के पेट भरता हूँ। गर्मा गर्म बड़ा पाव आ गए। लीजिए डैड, दोनों हाथों से बिरयानी खाइए।
साहिल घर जाना है तो मॉम की सारी शर्तें आप मान लीजिए। तूने लिस्ट देखी है शर्तों की? पूरा के पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा, 12 मिनट तक ब्रश करूंगा 2 बार, दूध पी लूंगा 3 बार, बेड पे चकली चिवड़ा फरसान एक्सेट्रा सी लिस्ट अटैच्ड, नहीं खाऊं ओहो, रोसेश की कविता सुनूंगा, बाप रे हुआ ना जुल्म, माया को मंथरा ड्रैकुला सी लिस्ट 2 कह के नहीं बुलाऊंगा, रोसेश के सर पे पानी नहीं डालूंगा, सांबार दाल टोमेटो सूप नींबू पानी और दूध भी नहीं, ब्रैकेट रहने दे साहिल रहने दे, सब मिला के 192 शर्तें हैं। ये सारी मान लूंगा तो फिर व्हाट्स लाइफ? या यू बेट, आई मीन बेड पे चकली चौड़ा फरसान नहीं खाऊंगा वाली जो शर्त है वो हम मान भी लेंगे, लेकिन रोसेश की कविता रेगुलरली सुनूंगा। रेगुलर कहाँ लिखा है? ठीक है, यहाँ स्टार है, नीचे कंडीशंस अप्लाई, देखिए ये यहाँ रेगुलरली अप्रिशिएटिवली डिसेंटली अटेंटिवली और कंपलसरी क्लैपिंग। साहिल तू फिर से एक बार ट्राई करना, माया को फोन तो लगा प्लीज। देख सुन सुन, मुझे तेरे घर रहने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन अपना घर आखिर अपना घर होता है ना, ऊपर से वो घर तो घर भी है। मॉम, साहिल मॉम, आई थिंक यू आर स्ट्रेचिंग दिस अ बिट टू फार, आई मीन गार्ड्स के हाथों डैड को घर से बाहर निकलवाना, इनफैक्ट उन्हें नींद भी नहीं आ रही यहां। हाँ वो तो है, बट ओके बाय डैड। मॉम ने आ आ आपको फिर से मना किया। दादी जी ये अखबार पढ़िए। ये आज का अखबार है? नहीं नहीं, ये तो वड़ा पाव वाले ने दिया है, पढ़िए ना। हाँ, कामदेव बाबा की जड़ी बूटियां। ये नहीं दादी जी। क्या आपको आपकी पत्नी फिजिकली या मेंटली सता रही है? हाँ भाई हाँ, मदद आपके हाथ है, पुरुष अधिकार समिति आपको आपके हक दिलवाएगी। अरे वाह मोनिशा वाह। डैड एक मिनट, आप मॉम पर हरासमेंट का केस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? अरे तभी उसकी अकल ठिकाने पर आएगी, ये औरतें हैं ना अपने अधिकार को लेकर कैसा बखेड़ा खड़ा करती है, तो हम मर्द क्यों नहीं कर सकते? अरे एक बार मोर्चा निकलेगा ना माया के खिलाफ, तभी जाके वो सुधरेगी। माया सारा भाई, माया सारा भाई, माया सारा भाई, एक दो तीन चार, बंद करो ये अत्याचार। Oh my God, what is the meaning of all this? इतने middle class नारे, कौन है आप? माया, ये है पुरुष अधिकार समिति के संचालक श्री बाजीराव फड़के। पुरुष अधिकार समिति इंद्रवदन। मामा, गार्ड लंच करने गए। आप ही ने अपने पति को घर से बाहर निकाला? देखिए आप हमारे पर्सनल। सिर्फ हाँ क्यों ना में जवाब दो। हाँ। आपने इन पर हमला बिमला किया? ये सब झूठ है, मामा ने कोई हमला नहीं किया, उन्होंने तो सिर्फ डैड को थोड़ा सा धक्का मारा। अच्छा चलो स्टॉप इट, क्या कर रहे हो आप? स्टॉप इट, आप मेरे बेटे को इस तरह से घसीट नहीं सकते। हमने इसे घसीटा नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा खींचा है। वाह क्या जवाब दिया है बॉस। चलो माया देवी तुमको पुलिस स्टेशन चलना है। अरे नहीं, पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन क्यों भाई? अरे तुम चुप बैठो, चलो पुलिस स्टेशन चलो। आपके पास अरेस्ट वारंट है? अपर कपरेट पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाया है, असॉल्ट मैन हैंडलिंग, मेंटल हरेसमेंट। नहीं नहीं माया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे भाई साहब मैंने तो आपको से मोर्चा निकालने को कहा था। तुम चुप बैठो, बोला ना आपने मुझे अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, देखो साइन भी किया है, मैं आपके बिहाफ में कुछ भी कर सकता हूँ। चलो माया देवी। दिस इज आउटरेजियस। इंद्रवदन तुम हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स का इस तरह से तमाशा बनाओगे, मैंने सोचा नहीं था। वेल, तुमने भी तो मुझे घर से निकाल कर इतना बड़ा तमाशा बनाया। दैट वाज अ सोफिस्टिकेटेड तमाशा इंद्रवदन, बीवी के खिलाफ कंप्लेंट करवाना इज लोअर मिडिल क्लास। कंप्लेंट वापस ले लो। कंप्लेंट वापस ले लो? क्या? नहीं नहीं, केस चलाओ इंद्रवदन, पहली बार हमारी संस्था को केस मिला है। क्या ये आपका पहला केस है? तो आप पहले आदमी हो जिसने पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। माइला, हम इस केस को उछालेंगे, आपको न्याय दिलवाकर
दूसरे पुरुषों को आवाज उठाने की प्रेरणा देंगे। इन शॉर्ट, हमारे केस की टॉमटॉमिंग करके ये अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए पब्लिसिटी इकट्ठा करेंगे। टेक द कंप्लेंट बैक। टेक द कंप्लेंट बैक। इंद्रवदन, पत्नी ने धमकाया और आप डर गए? नहीं नहीं, मैं डरता वरता नहीं हूँ। आप समझे नहीं, माया का बात करने का स्टाइल ही ये है। वो मुझे आई लव यू भी आई लव यू कह के कहती है ना। अरे बाबा, ये अपराध है। इन्होंने आप पर केरोसिन छिड़क कर आपको जलाने की धमकी दी है। आप पर प्रेशर कुकर फेंका है। This is the limit. This is the limit. माया बात, फड़के साहब, ये सारी कंप्लेंट मैंने कब की? क्यों? जब मैंने आपसे पूछा था कि मैं इस केस को कैसा बनाऊं, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर या स्ट्रॉन्गेस्ट, तो आपने नहीं कहा था स्ट्रॉन्गर बनाओ करके? Oh my God, अगर स्ट्रॉन्गेस्ट कहता तो रेप, हंटर से मारना, छुरी चलाना। अगर वार के कोई दाग तो है नहीं तो बना के देता ना। क्या देखा, झूठा केस खड़ा कर रहे हैं ये लोग। यू व्हाट्स योर नेम, जस्ट गेट आउट। आ देयर यू आर। चलिए मिस्टर साराभाई, चलो। अरे चलो, मैं नहीं भाई साहब, माया। हाँ हाँ, उसे उस अच्छा उनको चलो। अरे हाँ फड़के साहब, तुम इकड़े क्या करते? अरे तू इकड़े क्या करते? चल 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 चल, वट चल वट कर। लानत है तुम पर, कंप्लेंट करने के लिए भी जिगर होना चाहिए। चलो भाई लोग। चलिए अंकल, नीचे चल करके सोसाइटी में हम लोग नारे लगाते हैं, गली गली में शोर है, इंदू सारा भाई चोर है। चलो। गली गली में शोर है, इंद्रवदन चोर है। 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 माया, I'm sorry. ये सब करने का मतलब मेरा नहीं था, मैं तो सोच रहा था कि That's वो okay. I believe you. तो अब मैं जाऊं? I mean, मैं आऊं? मेरी सारी शर्तें मंजूर करोगे? नहीं। तो फिर जाओ। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कुछ शर्तें मानूंगा मैं, मांडवाली नहीं कर सकते हम। स्ट्राइक अ डील इंद्रवदन, ये मांडवाली इज जस्ट टोटली डाउन मार्केट। मम्मी जी, डैडी जी। लो, डाउन मार्केट का नाम लिया एंड डाउन मार्केट इज हियर। मम्मी जी, आप लोग फेमस हो गए, देखिए अखबार में आपकी तस्वीर आई है। अरे लाओ लाओ लाओ, देखे। ओ या, या। माया साराभाई अटेम्प्ट्स टू मर्डर इंद्रवदन साराभाई, व्हाट इज दिस? और मम्मी जी देखिए ना, हिंदी अखबार में क्या लिखा है, पत्नी या पिशाचिनी, माया साराभाई मुर्दाबाद। इंद्रवदन, व्हाट इज दिस? आप समझा, ये सब वो फड़के ने लिखवाया है। आउट आउट। माया पहले मेरी बात तो सुनो तुम। पहले इन्हीं अखबारों में अपॉलोजी छपवाओ, फिर मुझे लिख के दो कि तुम मेरी सारी शर्तें कबूल करोगे, उसके बाद इस घर में पैर रखना, तब तक आउट। माया आउट। हाय मॉम। हाय। ये रही डैड की अपॉलोजी अखबार में। हाँ। और आपकी सारी शर्तें मंजूर है डैड को, ये रिटन नोट है, एक्सेप्ट फॉर कपल ऑफ देम। कौन सी? दोनों शर्तें जो है वो रोसेश की कविताओं को लेकर है। रेगुलरली कविता सुननी पड़ेगी के बजाय यू नो कभी कभी सुननी पड़ेगी किया है। एंड दूसरी? और कविता सुन के ताली बजानी पड़ेगी, वो तो कैंसिल कर दी है। ओके, कहाँ है वो इंद्रवदन? आ रहे हैं दूल्हे राजा। दादी जी, इसे अपने जिंदगी की नई शुरुआत समझिए और आगे बढ़िए। चलिए। मम्मी जी, आप भी जाइए ना, जाकर दुल्हन बन के आइए ना। ओह मनीषा, इसको भी अच्छी एक्टिविटी मिल गई है ना। चल चलो ना, इन दोनों का अकेला छोड़ देते हैं। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। माया, मैं कैसा दिख रहा हूँ? यू आर सच अ क्यूट फनी ओल्ड फेलो, एंड यू आर सच अ cute funny old girl of mine. Oh, I love you. I love darling. Mama, mama. Oh, dekha, aa gaya phir se kabab mein. Uh-uh. Hara dhaniya. Mama, dad dhokebaz hai.
What do you mean dad धोखेबाज हैं? इन्होंने पूरे रास्ते में ऐसे पोस्टर चिपकाए हैं। डाकू रानी माया साराभाई wanted dead or alive? ये क्या है इंद्रवदन? हाँ तो माया ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी कि मैं तुम्हारे पोस्टर्स नहीं छपवा सकता। Could you? Out. Out.